बकवास यार पूरा क्लाइमेट सत्यानाश कर दिया है बंडल है बंडल सच को सिर्फ परेशान कर सकते हो हरा नहीं सकते ठीक है उन्नीस बीस बोलते ना उन्नीस बीस है फिल्म इतनी खतरनाक पिक्चर नहीं है पर अच्छी लगी है बकवास बकवास यार पूरा क्लाइमेक्स सत्यानाश कर दिया यार महेश भट्ट इज वेरी वेरी वेल नोन फॉर गोस्ट मूवी एंडिंग का इतना जो बोलते ना क्लाइमेक्स ऐसे लग रहा है वो पुराना पिक्चर देख रहे हो बच्ची का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल होने के बाद भी यार पूरा आउट ऑफ फोकस हो गया अरे गायत्री बन को लेके दिखा के ना लो, क्या बनाया है भूट निकाला है लड़की खुद ही मार रही चाकू चली जाती है क्या यार सीरियसली कृष्णा जो डायरेक्टर है ये भाई होमवर्क कर क्या इतना अच्छा बेंच है पहले से इतने अच्छे यार सब कुछ ठीक ठाक है महेश भट्टा और विक्रम का क्यों नाम खराब कर रहे हैं अपने डैडी अंकल विंकल जो भी लगते तुम्हारे बट नाम मार खराब यार पूरा मूड का सत्यानाश चल है सीरियसली

और फिर जा काला जादू में बदल जाता है और फिर कैसा सच्चाई अगर आप सच में रहोगे आप जीत पाओगे सच को कोई नहीं हार सकता सच को सिर्फ परेशान कर सकते हो हरा नहीं सकते चलो थैंक यू पंडल है जो मजा पार्ट वन में था ना वो मजा कोई 1920 में नहीं आया एक आपता तो शिवनाथ ने की आई थी 1920 एक वो और शर्मन जोशी में ठीक है ओवर था लेकिन ठीक था वो भी लेकिन जो आधा शर्मा ने किया था ना वो काम कहीं पे भी नहीं दिखा लेकिन यहाँ पे एक कुल कुलकरणी करके एक लड़की है छोटी सी बच्ची है उसने काम बहुत भारी किया है वो और राहुल देव उनका काम बहुत अच्छा है बाकी सब ठंडे पानी है विक्रम विक्रम भट्ट भट्ट जो है उनकी बेटी ने ये पिक्चर डायरेक्ट किया क्या बोलना चाहोगे उनको एज अ डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक है ना के बराबर ही था लेकिन मतलब नहीं मजा नहीं आया देख के एक 1920 की फ्रेंचाइज जो 2008 से चल रही है तो वैसी फ्रेंचाइज वही जैसे मैंने बताया कि आफ्ता शिवदास जी की मूवी में देखने मिली थी उसके बाद से जितनी भी नाइनटीन आई है सब एकदम वॉस्ट है ये और ये भी एकदम वॉस्ट है मतलब कास्ट में कोई एक ऐसा एक्टर उठा के लेना चाहिए जो नाइनटीन में थे जो हीरो थे उनको ही ले लेते तो ठीक था ये कोई नया चेहरा था इसके अंदर वो कुछ मजा नहीं आया और एक टीवी एक्ट्रेस है अविका गौर उन्होंने भी इसमें लीड रोल में काम किया ठीक है वो ओके थे उनका ग्लैमरस भी अच्छा था और उनके जो माँ बताया गया उनको वो भी उनका भी थोड़ा अच्छा था ग्लैमरस यहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं कहानी एकदम डगमगा जाती है मतलब वो एक वो हॉरर सीन्स तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी <laughs> मैं क्या बोलूँ हॉरर सीन्स के बारे में वो कार्टून में दिखाते ना वे उस तरह का देख रहे ऐसा लग रहा है मतलब पिक्चर एकदम से एवरेज है कुछ इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है कि थिएटर में लोग आके हाउसफुल हो और ऐसे मतलब स्क्रीन पे देखने के टाइम पे डर उठे कॉमेडी चल रही है अंदर जा जा तो राहुल सर के परफॉर्मेंस के लिए थ्री स्टार शो तो में देना चाहूंगा वो बच्ची ने जो काम किया है ना वो फाइव स्टार करती है मतलब उसको बनता है उसका फाइव स्टार तो उसको बनता है बाकी मूवी के लिए तो डेढ़ मजा नहीं है थैंक यू उन्नीस बीस बोलते हैं ना हिंदी में तो हम बात करें उन्नीस बीस से और नाइनटीन ट्वेंटी ऐसी फिल्म का नाम है समझो और विक्रम भट्ट महेश भट्ट और इस डायरेक्शन में कृष्णा भट्ट आए तो कृष्णा भट्ट के मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्शन में देख रहा हूँ फिल्में और आर्टिस्ट जो एक्टर उन्होंने लिया है नए का नए कास्टिंग किया है और जो बाकी तो पूरा टेक्नीशियन ये लोग सब पुरानी है समझो और जो फिल्म को जो हॉरर फिल्म को होता है जो हॉरर फिल्म बनती है जो पहले नाइन्टी टू स्किन की थी फिल्म उसके अंदर जो है ना उसके और इसका अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत अच्छी फिल्म है और ये है कि ठीक है उन्नीस बीस बोलते हैं ना उन्नीस बीस है फिल्म हाँ या तो हिट भी नहीं बोल सकते और ऐसे कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में कमी कमी के मतलब अभी है जो हम फिल्म देखते हैं तो हमारे हिसाब से तो फिल्म के अंदर जो हॉरर फिल्म का मतलब जो डरावने शॉट होते हैं आदमी झटका खाना चाहिए कम से कम एक दो बार झटका खाएगा तो पैसा वसूल होता है उसका लेकिन इतना डरावना शॉट इसमें बताया नहीं है तो ठीक है और सिर्फ एक चीज़ है इसमें जो एक कंटेंट इन्होंने लिया है ना बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट जो कि अपने घर के परिवार से ही बदला लेने के लिए परिवार का ही आदमी निकलता है यानी माँ से बदला लेने के लिए बेटी निकलती है लेकिन उसमें वो भी बर्बाद हो जाती है परिवार में बर्बाद हो जाता है यानी इस तरह बताया कंटेंट बताया लेकिन स्टोरी तो बहुत अच्छी घुमाया उन्होंने फर्स्ट टैंड आप तो अलग है लेकिन सेकेंड में अलग तरह की बुलाया फिल्म जो जो लड़की को सच्चाई पता चलती कि मैं क्यों क्यों बदला ले रही हूँ लेकिन गलत कर रही हूँ तो फिल्म का कंटेंट एकदम स्टोरी अलग ही घूम जाती है फिल्म और स्टोरी तो बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर लेकिन जो बोलते हैं ना उतना स्ट्रांग नहीं है जो हमको जो फीलिंग आनी चाहिए ना वो फीलिंग उतना पुरा नहीं है लेकिन वन टाइम वॉच है एकदम जो हॉरर फिल्म देखने का शौक रखते हैं वन टाइम वॉच है फिल्म सॉन्ग एक लोरी बहुत अच्छी है उसने बच्चे बेटी के साथ गाती है ना और बहुत अच्छी लोरी बोलते हो कि बहुत अच्छी है वो फर्स्ट एंड सेकंड में भी दो बार बताया लेकिन बहुत अच्छी है वो और लड़की जो एक्टर है भी लड़की जो काम की है क्या उस क्या नाम नहीं बजे

नहीं थो, थोड़ा डर भी लगा मुझे इतना डरवाना ये मतलब इतनी खतरनाक पिक्चर नहीं है पर अच्छी लगी है कॉमेडी भी है उसमें थोड़ा बहुत तो जो हीरो हाँ में आता वो है, तो है वो भूत भगती है ना लड़की तो ऐसा लगता है भूत वगैरह है कि लड़की रही है बहुत अच्छा लगा मुझे अंडरेक। 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 हाँ क्योंकि मूवी अच्छी लगी मुझे वेलकम